नमस्कार किसान भाई, कृषि भाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली, गांवों में 24 घंटे होगी आपूर्ति। आशा ट्रैक्टर ने लॉन्च की प्राइमा G3 सीरीज, मिलेगा बेहतर अनुभव। सीएससी की रिपोर्ट में खुलासा, मिट्टी में तेजी से गिर रहा पोषक तत्वों का स्तर। 33,408 किसानों का ऋण माफ करेगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रही है और किसानों को 10 पैसा प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के कृषि क्षेत्रों के लिए रात में 7 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। शहरी क्षेत्रों के साथ 5600 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि सरकार राज्य के प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली देने की लिए जगमग योजना चला रही है। इसके तहत प्रदेश के 6503 गांवों में से 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। योजना के तहत पुराने और खराब मीटर व तारों को बदला जा रहा है। सरकार उन गांवों में भी बिजली पहुंचा रही है जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंच सकी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड समूह के आयशर ट्रैक्टर ने आयशर प्राइमा G3 सीरीज लॉन्च की है। आयशर ने नए जमाने के भारतीय किसानों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रैक्टर बनाया है। आयशर प्राइमा G3 40-60 HP की रेंज में ट्रैक्टर की एक नई सीरीज है जो किसानों को बेहतर अनुभव के साथ बेहतरीन आयाम और उन्नत तकनीक, शानदार स्टाइलिंग देगी। इस ट्रैक्टर में लिक्विड कूलिंग इंजन है जो कि अच्छे प्रदर्शन के साथ ईंधन की बचत करता है। ट्रैक्टर में रैप अराउंड हेडलाइट के साथ साथ गोल्ड ग्रिल DG NXT डैशबोर्ड और उच्च तीव्रता वाली 3D कूलिंग टेक्नोलॉजी है। नए जमाने का एयरोडायनेमिक बोनट लगा हुआ है जो ट्रैक्टर को एक शानदार स्टाइल देता है। देश के किसानों के लिए चिंता की खबर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी कि CSE की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मिट्टी में पोषक तत्व और ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर काफी कम हो रहा है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मिट्टी पर किए गए अध्ययन के अनुसार करीब आधे सैंपल में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पाई गई है। इनमें से 7 राज्यों के 90% से अधिक नमूनों में ये कमी है। रिपोर्ट के अनुसार 85% सैंपल में जैविक कार्बन की कमी है। 15% में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर काफी कम है। 49% में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बहुत कम है जबकि 21 नमूनों में कार्बन का स्तर मध्यम है। इसके अलावा मिट्टी के 83% सैंपल में फास्फोरस की कमी बताई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 33,408 किसानों का ऋण माफ कर सकती है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री के पास इसका प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पास होने के बाद 19 जिलों के 33,000 से ज्यादा किसानों का 200 करोड़ रुपए का ऋण माफ होगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने 2017 में फसल ऋण मोचन योजना लागू की थी। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों का 1,00,000 रुपए तक का ऋण माफ किया था। प्रदेश के करीब 86,00,000 किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है लेकिन बचे किसानों के आवेदन के खिलाफ शिकायत की गई थी जिसके बाद विभाग ने अपनी जांच में इन 33,408 किसानों को योजना के लिए पात्र माना है। ऐसे में इनका कर्ज माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और खेती बाड़ी व किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।